नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अगर मैट्रिक का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप क्योंकि तीन ऐसे वेबसाइट है जहां से आप जो है आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे बहुत ही जल्द, मतलब जैसे अब रिजल्ट निकलता है तो सबसे पहले वही तीन वेबसाइट पे जहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहला जो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि इसका लिंक जो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन करके यहाँ इस गोले के अंदर में देख सकते हैं, बिहार बोर्ड ऑनलाइन जो डॉट बिहार करके है, इस पर आपको मिल जाएगा सबसे पहले रिजल्ट। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं आया इसलिए आप मतलब अपडेट हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है मतलब सेकेंड नंबर में जो बात करेंगे, सेकेंड नंबर में जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये भी है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट अभी नहीं आया है तो इसीलिए जो है अब, तो चलिए अब दूसरा हम बताते हैं कि आप सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से भी अपडेट नहीं मिला तो चलिए हम दूसरा हम वेबसाइट हम देखते हैं। तो दूसरा वेबसाइट है उसको हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ क्रोम पे आना है, उसके बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट.com पर जैसे ही हम आएँगे उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो है इसका होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर इस यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पे देखिए इस साइड में जो है रिजल्ट दिखाई देता होगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट पे आना है और यहाँ पे जो है उसका जो भी अपडेट आता है, इसमें जो भी मतलब रिजल्ट आता है यहाँ नीचे इसका दे दिया जाता है नीचे में। अभी रेलवे NTPC का आया है तो इसीलिए यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। अगर मेट्रिक का भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आप आसान से देख पाएंगे। तो यह था मतलब सेकेंड नंबर का, और करेंगे जो कि बहुत ही फास्ट वहाँ पर रिजल्ट आता है, सबसे पहले वहाँ पे दिखाया जाता है। कहीं भी कोई दिक्कत चाहे मोबाइल फ़ोन से देखते हो या डेस्कटॉप से देखते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है वो। देखिए यहाँ पे जो है आपको आना होगा, यहाँ पे देखिए आपको आना होगा india.rizult.com, इस पर आना है। इस पर जो है बहुत फास्ट में यहाँ पे बताता है, क्योंकि हम भी कभी कभी चेक करते हैं जब रिजल्ट आता है तो इंडिया रिजल्ट से ही चेक करते हैं, क्योंकि यह बहुत फास्ट, बहुत सारे आदमी को पता भी नहीं रहता है कि इसको हम कैसे इसको। तो india.rizult.com पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही आएंगे और उसके बाद आपको जहाँ बिहार सर्च करना है, यहाँ पे देखिए बिहार आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे बिहार जैसे चूज करेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, बिहार पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पर आपको देखना है, देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ गया है उसका क्या कहते हैं बिहार बोर्ड, इस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद जो है आपको करने के बाद देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे अभी बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2022 में जो आया था उसका ऑल स्ट्रीम करके यहाँ पर देखिए दिखाई देता है। तो अभी यह अवेलेबल है, मतलब यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं आसान से। अगर मैट्रिक का रिजल्ट भी यहाँ पे आता है तो यहीं पे आपको शो करेगा, वो भी मैट्रिक का रिजल्ट भी यहाँ पे शो करेगा, अवेलेबल नाउ करके आएगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत ही फास्ट यहाँ पे दिखाता है तो आप लोग यहाँ से देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।